Hello and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study Channel. And आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज 23rd of November के. एक बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से, देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाते हैं, तो ये जो डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं ना, ये सुबह 7 से 8 बजे के बीच आपको रोज़ाना मिल जाया करेंगे. आपको अगर नोटिफिकेशंस नहीं भी आते हैं तो आप 7 से 8 बजे के बीच में चेक करोगे तो आपको ये वीडियो अवेलेबल मिलेंगे, जो कि सारे परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा. एंड अगर आप हमारे चैनल पे कोई नए हैं तो आप इस सब्सक्राइब बटन पर अगर क्लिक करते हो ना, तो ये चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो वो नोटिफिकेशन आपको मिलने लग जाएगी. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर्स. क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, बांदीपुर और बनरघट्टा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर और बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. किस आईआईटी संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए स्मार्टफोन बेस्ड सिस्टम का विकास किया है? मतलब ये कौन सी आईआईटी है, कौन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जिन्होंने ये एक खोज किया है जिससे दूध में मिलावट है कि नहीं है ये पता चल जाएगा एक मोबाइल फ़ोन के जरिए. ठीक है, मोबाइल फ़ोन की मदद से. देखिए हम किसी भी चीज़ में अब मिलावट कैसे पता चलेगा, उसके पीएच लेवल से, मतलब उसकी एसिडिटी, उस पीएच लेवल से पता चल जाएगा कि उसकी मतलब अम्लता, उसकी एसिडिटी कितनी है, उस हिसाब से पता चल जाएगा कि ये जो दूध है उसमें मिलावट है या नहीं है. ये किया गया है आईआईटी हैदराबाद के द्वारा. ठीक है, तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं सी, आईआईटी हैदराबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं. देखिए मणिपुर के वार्षिक संगाई पर्यटन समारोह का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? मणिपुर में वार्षिक संगाई पर्यटन, तो इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि संगाई पर्यटन ये जो समारोह हुआ ये हुआ कहाँ? मणिपुर में हुआ, एक चीज़ तो क्लियर हो गई. सेकेंड थिंग, ये जो संगाई है ना, ये मणिपुर के राज्य पशु का भी नाम है, मतलब मणिपुर का जो राज्य पशु है संगाई, इसका नाम भी संगाई ही है. ठीक है, और संगाई क्या है, राज्य पशु की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो एक तरह का हिरन है जो सिर्फ मणिपुर में पाया जाता है. अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि मणिपुर में ये जो वार्षिक संगाई पर्यटन समारोह हुई थी उसका उद्घाटन किसने किया? ये किया निर्मला सीतारमन जी ने, जो हमारी रक्षा मंत्री हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये तो हमारा ऑप्शन सी हो गया, निर्मला सीतारमन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. कौन सा देश भारत संयुक्त अरब अमीरात सामरिक सम्मेलन के दूसरे संस्करण की मेज़बानी करेगा? ये कौन सा देश है जो भारत और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के बीच में जो सम्मेलन होने वाली है ना, उसको वो होस्ट करेगा, उसकी वो मेज़बानी करेगा. देखिए ये सम्मेलन होने वाली है 27 नवंबर 2018 को, ये एक दिन की सम्मेलन होगी और ये अबू धाबी में होगी. ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं कि ये इसकी होस्ट कौन करेगा? इसको होस्ट करेगा संयुक्त अरब अमीरात. और इस सम्मेलन में क्या होंगे, दोनों देश के बीच में द्विपक्षीय निवेश जो किए जाते हैं उसी दायरे को बढ़ाने के लेके उसमें संवाद शुरू होगा. ठीक है, मतलब दोनों के जो व्यापार समुदाय हैं उनके बीच के संबंधों को इन्हें सुधारना है, इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी. पर अब हमें बस इतने ध्यान रखना है कि हाँ भाई, भारत और संयुक्त अरब अमीरात हैं, इन दोनों के बीच की जो सम्मेलन होगी ये होगी अबू धाबी में, और इसे होस्ट कौन करेगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में मैंने पूछा है, इसे होस्ट करेगा संयुक्त अरब अमीरात. हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम बढ़ते हैं. भारत ने निवेश को बढ़ावा देने और विकलांगता, कृषि अनुसंधान और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चीज़ें समझ में आ रही है? भारत ने एक समझौता किया है एक देश के साथ, इससे क्या होगा, उसका निवेश को बढ़ाया जा सकेगा, विकलांगता, कृषि अनुसंधान और शिक्षा जैसे क्षेत्र में सहयोग मिलेगा उस देश से. वैसे लेके उन्होंने 5 समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं और ये देश है ऑस्ट्रेलिया. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ये चीज़ किए हैं. ठीक है, तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं डी, ऑस्ट्रेलिया. एंड अगर इसमें बात करूं, देखिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, श्री रामनाथ कोविंद जी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, इन दोनों के बीच में ये समझौते पे इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है. ठीक है, और एक चीज़ और बताते हैं, रामनाथ कोविंद जी
हमारे पहले भारतीय राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के यात्रा पर गए हैं, मतलब हमारे देश के अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए थे ना, कोई अभी तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर नहीं गए थे। तो ये हमारे पहले राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, श्री रामनाथ कोविंद जी, जो ऑस्ट्रेलिया के यात्रा पर गए हैं। पर हाँ, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, हमारा ऑप्शन हो जाता है डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य में सशक्त महिला योजना को मंजूरी दी है? सशक्त महिला योजना को मंजूरी जिस राज्य ने दी है वो है हिमाचल प्रदेश। और ये योजना क्या करेगा? ये योजना सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मतलब एक इंटरफेस प्रदान करेगा जिससे ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। ग्रामीण महिलाओं में ही ज़्यादा, अब कुछ भी चीज़ें ले लीजिए, जो भी प्रॉब्लम पाई जाती है मोस्टली, तो वो ग्रामीण महिलाओं को उन्होंने टारगेट किया है कि वो उन्हें सशक्त बनाएगा और उनकी टिकाऊ आजीविका प्रदान करेगा, मतलब एक सुनिश्चित, मतलब वो भी अच्छे से जीवन यापन कर पाए, उसके लिए बेहतर अवसर, प्रशिक्षण, सारे चीज़ें उनमें प्रदान की जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी सशक्त महिला योजना में। ये चीज़ें समझ में आ गई कि इसमें होंगी क्या, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है ना, बस पढ़ लेने से नहीं होगा। ये चीज़ें होगी और ये होंगे, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसे कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। किस राज्य में भूमि सुधार विधेयक पारित किया गया? ये भूमि सुधार विधेयक जो है ना, ये पश्चिम बंगाल में पारित किया गया और ये 19 नवंबर को उन्होंने किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने उत्तर बंगाल में रहने वाले जितने भी बस्तियों के निवासी हैं उनके भूमि अधिकार को देने के लिए इन्होंने ये भूमि सुधार विधेयक को पारित किया है। और तो हमारा ऑप्शन हो जाता है सी, पश्चिम बंगाल। आप याद रख सकते हो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी जी, एंड वहाँ के गवर्नर है केशरीनाथ त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब हम उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत सरकार से निर्यात उत्कृष्टता का टैग मिला है? किसका टैग मिला है? निर्यात उत्कृष्टता का टैग मिला है। देखिए, ये मिला है भदोही को। हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, भदोही। ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है भदोही। भदोही क्यों बहुत ज़्यादा प्रमुख क्यों है ना, वहाँ यहाँ दुनिया भर में अपने हाथ से बुने हुए कालीनों के लिए ये प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा कालीन यहाँ के बहुत विख्यात हैं, जो भी जो अपने हाथ से वहाँ बुने हुए मिले जाते हैं, तो भदोही इसलिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, इस टैग जो निर्यात उत्कृष्टता का इन्हें टैग दिया गया है ना, इस टैग के अनुसार क्या होगा कि इस टैग के तहत कालीन निर्माताओं को आधुनिक मशीनों की खरीद, निर्यात और जितने भी बुनियादी ढांचे हैं उनमें सुधार, इन सारी चीज़ें में सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी। मतलब सरकार इन्हें हेल्प करेगी उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करने में। ठीक है, निर्यात उत्कृष्टता का टैग मिला, इससे क्या हेल्प थे और ये भदोही को मिला। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के द्वारा भूधार पोर्टल लॉन्च किया गया है? भूधार पोर्टल पोर्टल जो है ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। देखिए, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ना, श्री चंद्रबाबू नायडू जी, उन्होंने यहाँ भूधार पोर्टल और भू सेवा कार्यक्रम, ये दो चीज़ों को लॉन्च किया। भूधार पोर्टल के तहत होगा क्या ये? भू सेवा के तहत ये भूधार एक तरह का क्या है ना, देखिए भूधार राज्य में जो प्रत्येक कृषि भूमि अधिकरण या ग्रामीण या शहरी संपत्तियों का जो सौदा होगा, सौंपा जाएगा ना एक दूसरे को, तो इसमें 11 अंकों का एक विशिष्ट पहचान कोड होगा जो ये भूधार होगा। ठीक है, इसमें 11 अंकों का एक कोड दिया जाएगा और इस कोड से ही भूमि संबंधी जितने भी लेन देन होंगे ना, ये भूधार कार्ड को यूज़ करके होगा। समझ आ गई चीज़ें? अब ये जो कार्ड है ना, भूधार कार्ड, ये दो तरह की होंगी, एक ई भूधार होगी, एक एम भूधार होगी। इसमें और भी सारी चीज़ें डिटेल में है, कुछ स्थाई के लिए कोड है 00, फिर 98, इतने डिटेल में हमें नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखना है कि हाँ, भूधार पोर्टल एंड भू सेवा जो है ये दोनों चीज़ें आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। मैंने थोड़ी डिटेल तो बता ही दी इनके बारे में। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, आप लोग जिसको भी इनकी इसकी PDF चाहिए होगी ना, तो इसके लिंक में दिए हुए हैं, जस्ट आप वीडियो के नीचे लिंक पे जा सकते हो, वहाँ टेलीग्राम का लिंक है और वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी इस वीडियो की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरफेथ स्टडीज़ की स्थापना किस राज्य में की जाएंगी? इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरफेथ स्टडीज़ की स्थापना किस राज्य में होगी? ये होगी पंजाब में। ठीक है, हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए, पंजाब। देखिए, गुरु नानक जी की 550वीं जयंती सेलिब्रेट होने वाली है। ठीक है, इसके लिए ये सारे प्लान हो रहे हैं और उसी में
हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं ना श्री महेश शर्मा जी ने 550वीं गुरु नानक जी की जयंती मनाने के लिए इसकी घोषणा की है। इसमें क्या होगा, इसमें गुरु नानक देव जी की जितने भी शिक्षा है ना उनके तर्ज पर इसमें अध्ययन शामिल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं, देखिए इंटरफेथ स्टडीज़ का जो नाम है इससे ही हम समझ जाते हैं कि यहाँ अलग अलग धर्मों की पढ़ाई कराई जाएगी। ये चीज़ें हो गई, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के तर्ज पर अध्ययन शामिल रहेगा। इसका मेन चीज़ समझ लीजिए कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरफेथ स्टडीज़ जो है इसकी मेन उद्देश्य ये होगा कि भाईचारा और विविधता को बढ़ावा देना है राष्ट्रीय। और ये कब हुआ है, ये मोदी जी ने ये जो 550वीं जयंती मनाई जाएगी गुरु नानक जी को लेके, तो उसके लिए ना उन्होंने एक राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति का गठन किया है और उस गठन में उस समिति में ये फैसला लिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान बस रखना है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरफेथ स्टडीज़ ये बनाई कब क्यों जा रही है, ये गुरु नानक जी की जो 550वीं जयंती मना रहे हैं हम उसी में ये घोषणा की गई है और ये पंजाब में बनेगी। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। 46वां विश्व हेलो दिवस कब मनाया गया, 46वां विश्व हेलो दिवस हमने मनाया है 21 नवंबर को। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए 21 नवंबर। अब ये समझ लीजिए कि जितने भी मतभेद है उसे हल करना है या संचार की शक्ति को व्यक्त करना है, इसमें कुछ रूल्स है लाइक आपको ना एक दिन में 10 बार हेलो बोलने हैं, ये विश्व हेलो दिवस इस तरह से सेलिब्रेट होता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ ये 21 नवंबर को हमने सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिसस के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिसस के नए प्रबंध निदेशक जो नियुक्त हुए हैं इनका नाम है सिद्धार्थ राठ। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाता है, डी। देखिए, और ये ना पहले अंतर्राष्ट्रीय रूप से मतलब एक्सिस बैंक से जुड़े हुए थे, पर अब ये स्टेट बैंक ऑफ मॉरिसस के नए प्रबंध निदेशक मतलब MD नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है सिद्धार्थ राठ। हमारा ऑप्शन हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। व्हाट्सएप के अपने भारतीय प्रमुख के रूप किसे नियुक्त किया गया है, ये भारत के प्रमुख होंगे व्हाट्सएप के, इनका नाम है अभिजीत बोस। हमारा ऑप्शन है बी अभिजीत बोस। ठीक है, देखिए ये 2019 की शुरुआत में व्हाट्सएप में शामिल हो जाएंगे, तो ये भारत के प्रमुख चुने गए हैं, इनका नाम है अभिजीत बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। मैक्सिकन ऑर्डर ऑफ द स्टेक ईगल सम्मान से किन्हें नवाजा गया, तो हमारा ऑप्शन है प्रोफेसर SP गांगुली, ये JNU के पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं, इन्हें 20 नवंबर को इस मैक्सिकन ऑर्डर ऑफ द स्टेक ईगल से नवाजा गया है। तुम्हारा ऑप्शन हो जाता है ए प्रोफेसर SP गांगुली। देखिए हम ये क्या है ना, ये मैक्सिको द्वारा किसी भी विदेशी को दिया जाने वाला मैक्सिको का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये जब किसी भी विदेशी को दिया जाता है तो ये ध्यान रखना है कि ये मैक्सिको का सर्वोच्च पुरस्कार है। और देखिए प्रोफेसर SP गांगुली को ये क्यों दिया गया, इन्होंने इनकी जो स्पैनिश और मैक्सिकन संस्कृति के लिए इनके अध्ययन में इनका उत्कृष्ट योगदान है। ठीक है, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। समझ आ गई चीज़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत कौन नियुक्त की गई हैं, तो यूनिसेफ की जो सद्भावना राजदूत नियुक्त हुई हैं इन्हें आप कह सकते हो गुडविल एम्बेसडर, सद्भावना राजदूत। ठीक है, ये जो नियुक्त हुई है ना इनका नाम है मिली बॉबी ब्राउन। ये सबसे कम उम्र की है, मतलब ये 14 साल की हैं, ये ब्रिटिश अभिनेत्री हैं। और मिली बॉबी ब्राउन क्या करेंगे कि वो अपनी वैश्विक पहुंच का उपयोग करके अब बच्चों के अधिकार जो है या वो युवाओं को प्रभावित करने वाले जितने भी मुद्दे हैं ना उनके जागरूकता को बढ़ावा देंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट ये ध्यान रखें कि हाँ यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत कह लीजिए या गुडविल एम्बेसडर कह लीजिए, ये नियुक्त हुई है मिली बॉबी ब्राउन। और यूनिसेफ की बात करती हूँ तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क शहर में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाता है बी मिली बॉबी ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसको एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2018 से नवाजा गया है, तो ये है एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार जो है ये मिला है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को। ध्यान रखना है अगर पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2018 की बात आएगी तो ये वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को मिला है। हमारा ऑप्शन हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसको 2018 इंदिरा गांधी पुरस्कार से नवाजा गया। अब 2018 इंदिरा गांधी पुरस्कार की बात आती है तो ये मिला है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र को। ऑप्शन है डी
विज्ञान और पर्यावरण केंद्र को ये इंदिरा गांधी 2018 पुरस्कार से नवाजा गया है। देखिए, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जब जयंती होती है ना, तो हर साल इंदिरा गांधी ट्रस्ट के द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इस बार का 2018 का जो सम्मान दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र को। कंफ्यूज नहीं करना है, मैंने इसके पीछे एक क्वेश्चन पूछा था इससे पहले। इस क्वेश्चन में मैंने बात की थी कि एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड को। और अगर बात आती है कि किसको 2018 इंदिरा गांधी पुरस्कार से नवाजा गया है, तो ये है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें, किन्हें फ्रेंच लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। फ्रेंच लीजियन ऑफ ऑनर से जिन्हें सम्मानित किया गया है ना, इनका नाम है विलियम पोलार्ड। ये ना जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी ना, इसके ये अनुभवी रहे हैं, मतलब उसमें इन्होंने लड़ा है विलियम पोलार्ड ने, और अपनी सैनिकों की इन्होंने रक्षा की है। और ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट है अभी, और इन्हें ही फ्रेंच लीजियन ऑफ ऑनर से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए, विलियम पोलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, किन्हें इंटरपोल के अगले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इंटरपोल क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में, ठीक है। तो क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन समझ आ रही है, इसे ही हम इंटरपोल कहते हैं। अब क्वेश्चन में बात आ रही है कि इसके अगले राष्ट्रपति के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त हुए हैं किम जोंग योंग। नाम कंफ्यूज नहीं करना है, ऐसे ना बहुत सारे नाम है, तो ध्यान रखना है कि ये इंटरपोल के अगले राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं किम जोंग यांग, और ये 2020 तक कार्यरत रहेंगे। और इन्होंने रिप्लेस किया है मैग होंगवई को। तो बस ये ध्यान रखिए कि इंटरपोल के अगले राष्ट्रपति जो होंगे, ये होंगे किम जोंग यांग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और विदेश में गुरु नानक जी की कौन सी जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति का गठन किया। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने बताया था ना कि पंजाब में जो आपकी संस्थान जो बनेगी अभी, उसके लिए जो संस्था बनेगी पंजाब में, और जहाँ पास मतलब अलग अलग धर्मों की पढ़ाई की जाएगी, पहले के क्वेश्चन में मैंने तो वहीं पास हमारे संस्कृति मंत्री ने कहा कि 550वीं गुरु नानक जयंती मनाने के लिए इन्होंने ये घोषणा की, और यही राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति में ही इन्होंने ये घोषणा की थी, ठीक है। तो अब देखो, इसमें मैंने इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रधानमंत्री ने भारत और विदेश में ये जो गुरु नानक जयंती जी नानक जी की जयंती मनाएंगे ना, तो ये कौन सी जयंती होगी, तो ये होगी 550वीं, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी। तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाते हैं, ए 550। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, कौन रणजी ट्रॉफी में 11,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। इनका नाम है वसीम जाफर। ऑप्शन हो जाता है डी, वसीम जाफर जो हैं ये अभी तक मतलब रणजी ट्रॉफी में 11,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। ये किया इन्होंने सिडनी में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करूं तो ये है कैनबरा। इन्होंने किया है इसका अनावरण सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में इन्होंने महात्मा गांधी जी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से शुरू में डिस्कस किया था, आपको याद होगा, जिसमें राष्ट्रपति हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए हैं, और मैंने कहा कि ये हमारे पहले राष्ट्रपति हैं जो अभी तक भारत से गए हैं। ये पहले राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति है जो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए, इससे पहले कोई नहीं गए थे। तो बस उन्होंने उस पर पास समझौते भी किए, ठीक है, हमारे भारत के लिए। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी किया, तो ये किया सिडनी में। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 23 नवंबर के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।